सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द काजल कॉमर्स क्लासेस। तो हमारे इस ऑनलाइन चीता बैच के अंदर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट वन नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। सो बच्चे, ऑलरेडी हम लोग IED के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और अब बारी आती है हमारे पास यूनिट वन, जो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, हाई वेटेज की यूनिट है एज पर द बोर्ड एग्जाम्स भी, और हाफ ईयरलीज में क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस कम आता है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर भी जो इसकी वेटेज होगी वो ज्यादा ही होगी। नेशनल इनकम का चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको इस PDF के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेंगे, रिपीटेशन से मिलेंगी क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत सारे दिखने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किसी रेफरेंस बुक से इसको प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर इस यूनिट में 4 चैप्टर है, ठीक है बच्चे। So, number of questions आपको यहां ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो इसलिए है क्योंकि repeatedly questions कुछ पूछे जाते हैं हर साल, तो वो repetition में है, तो अगर आपने एक बार prepare कर लिया आगे दोबारा से आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको उसको दोबारा करना है, वो आपका countable होगा कि हाँ आपने इस चीज को कर लिया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है अगर questions ज़्यादा भी दिखते हैं तो, और numerical questions थोड़े से ज़्यादा इसलिए भी डाले हैं क्या, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, ताकि एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे छोड़ करना है, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंटली, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो को देखने में आपको, बट बहुत काम की वीडियो है, मतलब मैं ये बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने एक बार चैप्टर को पढ़ने के बाद इस वीडियो को प्रिपेयर कर लिया, यानी कि इसके जो सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, तो आप हाफ ईयरली में कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने वाले हो, और हाफ ईयरली का मैं तो ये कह सकती हूँ कि आप बोर्ड में भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो बहुत अच्छे से देखना, और अगर चैप्टर समझना है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाके आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं, ठीक है बच्चे। सो चलिए देखिए जरा, MCQ से स्टार्टिंग हुई है, 3 MCQs, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर डिफरेंस है। ये स्टॉक और फ्लो तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो जरूर कर लेना। देखो 1-1 मार्क्स के डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस में काउंट करने लायक थोड़ी है, क्या करना है आपको, एग्जांपल लिखना है, डिफाइन लिखनी है, तो ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, चेंज इन स्टॉक निकालना है आपको, साथ साथ वैल्यूज लिखो, सॉल्व करते जाओ। 2 थ्योरी क्वेश्चंस हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काफी पूछा जा रहा है आजकल ये वाला क्वेश्चन, तो इसका टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये। देखो फिर से सर्कुलर फ्लो आया आपके पास, लिखो, लगातार 3 बार ये पूछा गया है, कंपार्टमेंट में भी, नॉर्मल एग्जाम में भी, ऑल इंडिया में भी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास ये। मतलब आपको ना इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कितने मार्क्स में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही चैप्टर पढ़ लेते हैं, बच्चे क्या करते हैं ना, चैप्टर पढ़ के सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, बस वो यही गलती करते हैं। चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद बच्चे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने चाहिए, जरूर लिख लिख के आपको देखना चाहिए कि यार ठीक है ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, कितना लिखना है, किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज मस्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वैल्यू एडेड बेस्ड, परेशान नहीं होना कि बार बार एक ही कोई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अरे करो प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन में कोई एक नई चीज होगी तुम्हें पता चलेगी। 4 मार्क्स क्वेश्चन, पहले ही कह रही हूँ थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो में क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं हमारे पास, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हैं और रिपीटेशंस भी है क्वेश्चंस की। देखो बच्चे क्या करते हैं ना, मोस्टली डेफिनेशंस नहीं पढ़ते, ऑपरेटिंग सरप्लस कंपेंसेशन, सिर्फ न्यूमेरिकली इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, बट आप देखो 2023 में इसका क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरी क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मिसिंग फिगर का। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एरर दिखता है तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि हो जाता है कई बार टाइपिंग में कुछ चीजें ओमिट हो जाती हैं, इतना नहीं देख पाते हैं,
तो अगर आपको लगे कि भाई किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, उसको फिर हम सॉर्ट करेंगे। मतलब हर तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर ये न्यूमेरिकल्स तुमने प्रिपेयर कर लिए ना, मैं कह रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ मैं कि बच्चे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपको हो सकता है करंट ट्रांसफर्स दिख रही हैं जैसे बार बार, तो करंट ट्रांसफर ना आपको कहीं इंक्लूड नहीं करनी है। अगर करंट ट्रांसफर्स दे रखा है तो उस चीज़ को आप इग्नोर करो, यूज़ ही नहीं करना आपको उसे। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस है, कितने सारे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में ये भी कहूंगी कि जैसे ना प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम के अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो उन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस को इसलिए भी यहाँ से रिमूव नहीं किया क्योंकि हो सकता है किसी और जो बोर्ड के बच्चे हैं, CBSE में तो नहीं है हमारे पास ये करिकुलम में प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम के क्वेश्चंस, बट हो सकता है किसी किसी बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस हों, तो इसलिए मैंने नहीं हटाए हैं कुछ क्वेश्चंस। वैसे तो जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने वो हटा दिए थे जो डायरेक्टली प्राइवेट पर्सनल इनकम से रिलेटेड पूछे जा रहे थे, बट कुछ मैंने अभी भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप स्किप कर सकते हो जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं उस क्वेश्चन को। अभी और भी क्वेश्चंस हैं तो वीडियो छोड़ के नहीं जाने हैं, मैं तो कहूंगी साथ साथ सॉल्व करते जाइए इन क्वेश्चंस को। CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए पर्सनल प्राइवेट इनकम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप ही हट जाएंगे, तो और क्वेश्चंस कम हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ये गिविंग रीजन वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है हमसे बहुत बार, चॉइस में आ जाता है कभी कभी न्यूमेरिकल्स के, कि अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आता है तो वो इन क्वेश्चन को कर सकता है। फोर्टी फाइव क्वेश्चंस तक हम पहुंच चुके हैं। इस PDF को करके आपको, मतलब इस वीडियो के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इन्हें कर लेंगे ना, आपको बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतना सब कुछ है ना कि आपको कुछ अलग से करना ही नहीं है। मतलब ये होता है ना कि कहाँ करें, क्या करें, कुछ सोचना ही नहीं है यार, बस इसे कर लो, बहुत है। MCQ वेरी शॉर्ट आंसर्स में देखो कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपसे जो पूछे जाते हैं। ये तो देखो 2023 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब ये तीन क्यों हैं, क्योंकि देखो तीन सेट होते हैं, तब तीनों सेट में अगर अलग अलग क्वेश्चन है तो आपको तीनों ही एक बार प्रैक्टिस करने हैं ना। दो हजार तेईस का ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये। अब देखो यहां से आपके पास फिर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं GDP डिफ्लेटर से रिलेटेड, तो ये हर सेट में कुछ अलग क्वेश्चन होगा, तो इस वजह से एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 मार्क्स के अंदर किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है ये भी पता चल रहा है आपको। और देखो 6 नंबर में 3 पॉइंट हैं, सिर्फ ये बताना है कि इसको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते टाइम कैसे ट्रीट करना है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं ये।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये. GDP एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द थ्योरी पर्पस. ये जितने भी 77, 78, 79 और 80, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये वाला टॉपिक भी बहुत पूछा जाता है. सो टोटल 82 क्वेश्चंस थे हमारे पास विद द न्यूमेरिकल्स, MCQ, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स मिला के. सो बच्चे मैं तो यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा. अब आप ये सोचेंगे मैम 82 क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो बीच में रिपीटेशंस भी हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन एक एक डिफाइन किए हैं. ठीक है, उन्हें सॉल्व मत करना, एक बार पढ़ के छोड़ देना. बट न्यूमेरिकल्स में कहूँगी ज़रूर करना, ये GDP वाले क्वेश्चंस, रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं इन्हें ज़रूर करना. ठीक है बच्चे, इन्हें मत छोड़िएगा. तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ.